फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। अच्छा होना भी चाहिए। तो आज मैं बहुत दिनों के बाद लॉन्ग वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था मैं टाइम नहीं निकाल पाती हूँ और फ़ोन मेरा काफ़ी बार गिर चुका है स्टैंड होने के बावजूद। और तो आज मैंने कुछ लहंगे बनाए थे और वो बहुत 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 ज़्यादा प्रीटी थे, तो मुझे लगा आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दिया है, पर शॉर्ट में इतने अच्छे तरीके से उसका डिटेल नहीं आप लोग जान पाओगे। तो वैसे मुझे उसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं, मुझे कस्टमर ने ला के दिया है, मैंने सिर्फ उसको स्टिच किया। पर ऐसी बहुत सी चीज़ें होती हैं जो बहुत से मतलब होते हैं जो नहीं समझ पाते कि अगर रेडीमेड लहंगा हो तो उसे अपने नाप से कैसे बनाया जाए। तो मैं सोची थी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि अगर न्यू लहंगा है तो कैसे आप लोगों के साथ शेयर किया जाए कि कैसे आपके नाप का बनाया जाएगा। तो मैं नहीं शेयर कर पाई, पर इंशाल्लाह लहंगे आते रहते हैं, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आप लोग को, समझाती हूँ कि अगर आप लोग के पास हो लहंगा अपने नाप से करना हो, मतलब अगर आप नया परचेस करते हैं फिर अपने नाप से करना हो या दुल्हन का करना हो, तो आप लोग कैसे करें। और ये बहुत फुल साइज़ के थे और छोटे साइज़ का किया, कुछ मतलब मीडियम साइज़ के थे उसे थोड़े बड़े करने हुए। तो चलिए दिखाते हैं। और बहुत 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 प्यार आगे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और ढेर सारा प्यार दें। तो चलिए दिखाते हैं। तो ये तीनों लहंगे हैं, मैंने तीनों इसलिए हाथ में ले लिया क्योंकि ये ना हो कि तीनों आपने वही लहंगा बार बार दीदी दिखाया, तो ऐसा नहीं है, तीनों अलग हैं। देखिए इस पर ग्रीन और येल्लो है, मतलब ग्रीन ज़्यादा टच है, येल्लो आपको कम दिख रहा होगा। ये भी सेम ही है, ग्रीन ज़्यादा येलो कम, और इसमें येलो ज़्यादा है और इसमें जो ग्रीन है वो डार्क ग्रीन है, काही ग्रीन है। तो ये तीनों बहुत 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 प्यारा है और नीचे एम्ब्रॉयडरी है, आप लोग देख सकते हैं। अभी मैं पास से आप लोगों को दिखाऊंगी, इसमें नीचे एम्ब्रॉयडरी है, चारों तरफ छोटे छोटे बूटे हैं जो बहुत प्रीटी लग रहे हैं, बहुत प्यारा है। आपको हल्दी में पहनना, सगाई में किसी पहनना है तो पहन सकते हो। ये बहुत प्रीटी है, मैंने नहीं लिया, मैं पहले भी बता दूँ, ना मैंने इसे कटिंग किया, ना मैंने बनाया, ना फैब्रिक लाया, ये कस्टमर खुद ला के दी है और सिर्फ मैंने स्टिच किया। हाँ, लेकिन पूरा खोल के स्टिच किया। तो चलिए इसका ब्लाउज दिखाते हैं आप लोगों को। तो ये इसका तीनों ब्लाउज है, तीनों ब्लाउज भी आप लोग को दिखा दें। लहंगा एक बार फिर दिखा देते हैं, एक और दो और तीन, ये देखिए तीन लहंगा, एक दो और ये तीसरा। तो ऐसे ब्लाउज है तीनों, और तीनों में क्या है कि ये देखिए मेरे ब्लाउज ये होते हैं, कोट डोरी पूरे में होता है, बैक गले में पूरे कोट डोरी, फ्रंट गले में कोट डोरी और कमर पे कोट डोरी, स्लीव में कोट डोरी, और इन्होंने बोला था कंधी थोड़ी चौड़ी, तो ये 2.5 इंच की कंधी है। और जो ब्लाउज है उसमें सिर्फ और सिर्फ 1.5 इंच है, ये देखिए 1.5 इंच का है। तो ये है वी गला, आगे ये 9 इंच है और पीछे ये 12 इंच है गला, ये 12 इंच है, 2 इंच बैग ओपन है इसमें, मैं बता दूँ इसमें बैग हुक है, आप लोग देख सकते हो, फ्रंट ओपन नहीं है। और ये पैडेड ब्लाउज है, तो ये बहुत प्रीटी है। और जो डार्क कलर का है ये है, जो येलो और डार्क ग्रीन के साथ, और इसमें ऐसा गला है, वी उनको नहीं चाहिए था कस्टमर को, तो इसमें कुछ ऐसा गला है। सारे ब्लाउज पैडेड है और ये बहुत प्रीटी है, आप लोग को एक बार पास से दिखाती हूँ। इसमें सारे कॉट डोरी हैं, आप लोग देख सकते हो, इसमें सारे में कॉट डोरी है, सारे कॉट डोरी है, कमर पे कॉट डोरी है, बैक पे कॉट डोरी है, आप लोग देख सकते हैं। तो हर जगह सारे ब्लाउज में कॉट डोरी है और ये बहुत ज़्यादा प्रीटी है, ये पहनने पर और ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। पर सॉरी मैं दिखा नहीं पाऊँगी कस्टमर को पहनते हुए। और इसका जो लहंगा है, जैसे मैंने बताया, इसका जो लहंगा है मैं पास से आप लोगों को दिखाती हूँ। ये कमर है, तो इसकी लेंथ कम करनी थी, तो लेंथ मैंने ऊपर से काट के फिर कलियों को दबाया है, ऊपर से दबाने के बाद कलियों को फिर उनके साइज से किया हुआ है, ऐसा हुआ है, ये कमर फिट हुआ है। और इसकी एम्ब्रॉयडरी एक बार आप लोग को दिखा देते हैं, तो इसकी एम्ब्रॉयडरी गोटा पट्टी से है और हैंड वर्क है, ये देखिए ये हैंड वर्क है, आप लोग देख सकते हैं पूरा, ये नग लगे हुए हैं और ऐसे ऐसे बूटे हैं, छोटे छोटे बूटे हैं, पूरे लहंगे में बूटे हैं। और ये एम्ब्रॉयडरी जो नीचे है पूरे लहंगे में एम्ब्रॉयडरी है, चारों तरफ एम्ब्रॉयडरी, आप लोग देख सकते हैं ये कितना ज़्यादा प्रीटी है। ऐसा नहीं कि इसमें घेरा नहीं है, इसमें घेरा भी उतना है,
और इसमें कैन कैन नहीं लगा था, कस्टमर ने लगवाया है। तो इसमें दो अस्तर है, यहाँ पे बकरम है और ये एक अस्तर अलग से लगाओ, और इसमें कैन कैन लगा, एक अस्तर लगा। पहले ऐसा नहीं था पर इसे ऐसे बनाया गया। तो कभी कभी कुछ चीज़ें दुकान से कुछ ऐसा आता है, कुछ आपको बनाना पड़ता है उसे और ज़्यादा अच्छा करने के लिए। तो आप लोगों को ये कैसा लगा आप लोग प्लीज़ कमेंट्स करके बताइए, और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, ज़्यादा सपोर्ट करिए। और ये आप लोगों को ड्रेस कैसे लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा एक बार। चलिए आप लोग को तीनों लहंगे मैं रख के दिखा देती हूँ, ये नहीं हो कि नहीं अच्छा, और मेरी जूबी यहीं बैठी है तो एक बार आप लोग को दिखा देती हूँ। तो ये तीनों लहंगे आप लोग देख सकते हैं, ये डार्क कलर का, ये डार्क कलर का, सॉरी ये लाइट कलर का, लाइट ग्रीन और येलो है, ये लाइट ग्रीन येलो है, वो डार्क ग्रीन और येलो, इसमें येलो ज़्यादा है। और तीनों ब्लाउज़ आप लोग देख चुके हैं जो बहुत प्रिटी है। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, और जो जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और ढेर सारा प्यार दें। ऐसे आप लोग मेरे साथ बने रहिए, ऐसे अच्छे अच्छे ड्रेसेस आप लोग को दिखाएंगे। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।